हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए या कोई भी एडिटर ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेनी है किसी भी नाम से, .html से। उसके बाद आपको उस फाइल के अंदर लिखना है, स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करना है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे var के नाम से, var num1 इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे यूज़र से कमांड लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोम्प्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे लिखना है प्रोम्प्ट, फिर ब्रैकेट लगानी है, फिर ब्रैकेट में कोमा देना है और कोमे में लिखेंगे हम एंटर फर्स्ट नंबर। अब आप इस कोड को यहाँ से सेव कर दीजिए। जैसे हम इस कोड को सेव करते हैं तो मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बता देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे से यहाँ पे कोई भी वैल्यू मांग रहा है। जैसे हम यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं करवाया है। वैसे ही अब हम यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, ऊपर नम वन था, मैं यहाँ पे नम टू कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ और अब मैं आपको ब्राउज़र में बता देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। तो आप देख रहे हो हमारे से फर्स्ट नंबर मांग रहा है, हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं, फिर हमारे से दूसरा नंबर मांग रहा है, एंटर सेकंड नंबर मांग रहा है। हम यहाँ पे ओके करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं करवाया है। अब जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करके हम यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले कराएंगे, हम यहाँ पे अलर्ट मेथड या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इन दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट, अब मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखूँगा नम वन प्लस नम टू, क्योंकि हम इन दोनों का एडिशन करने वाले हैं। अब मैं इस कोड को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको ब्राउज़र में ओपन करके बताता हूँ कि ये हमारा किस तरह से वर्क करेगा। जैसे हम यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड नंबर डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट 10.5 आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट 15 आना चाहिए था, लेकिन इसका कारण ये है कि जो हमारा प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये यहाँ पे हमारे जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है उसे एक तरीके से स्ट्रिंग मान रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग की तरह उसे डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे जो बताएगा कि ये कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, एक नंबर है। हम पार्स इंट लिखेंगे, हमें इंट का आई बड़ा लिखना है, उसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ऐसे ही हम यहाँ पे नम टू वेरिएबल में भी करेंगे, यहाँ से हमें ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में आपको रन करके बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। अब आप देखोगे कि हमारा जो है प्रोग्राम है ये परफेक्टली वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 10 डालता हूँ और सेकंड नंबर में यहाँ पे 5 डालता हूँ, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है यहाँ पे 15 आ रहा है। हमारा जो है कोड है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जैसे इस कोड को कॉपी कर देता हूँ डॉक्यूमेंट राइट को और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली इसके जो ऑपरेटर से उसे चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और नीचे मैं यहाँ पे डिवीज़न कर देता हूँ। अब मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ और आपको ब्राउज़र में ओपन करके बताता हूँ कि किस तरह से जो हमारा कोड है ये काम करेगा। जैसे मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखते हो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं, फिर हम यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे सारा रिज़ल्ट परफेक्टली शो हो रहा है। बट जो ये रिज़ल्ट है सारा एक लाइन में शो हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम अगर चाहें तो सारे रिज़ल्ट को हम डिफरेंट लाइन में
भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये है कि हम यहाँ पे बी आर टेक का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर बी आर टेक का यूज़ करता हूँ। मैं इसे कॉपी करके सभी लाइनों के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे ये होगा कि हमारा प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबका रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले होगा। तो अब मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको ब्राउज़र में ओपन करके बता देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाला 5, सेकंड नंबर डाला हमने यहाँ पे। अब हम ओके करते हैं तो आप देखते हो कि हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे सारा रिजल्ट डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।